दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों डीवाई पाटिल टी20 कप में आया हार्दिक पांड्या का तूफान, 55 गेंदों में जड़े 158 रन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डीवाई पाटिल टी20 कप में हार्दिक पांड्या ने तूफान मचाते हुए रिलायंस वन की तरफ से खेलते हुए तूफानी शतक जड़ा है, साथ ही में 55 गेंदों में 158 रन जड़े हैं। पूरे विस्तार से आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक खतरनाक ऑलराउंडर मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 1000 लाइक का है, तो दोस्तों हार्दिक पांड्या को सपोर्ट जरूर करें, इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने फिटनेस हासिल कर मैदान पर वापसी कर ली है। जी हाँ दोस्तों, वह मुंबई में खेली जा रही डीवाई पाटिल टी20 कप में रिलायंस वन की तरफ से खेलते हुए बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें वह दोस्तों गेंद के साथ ही बल्ले से भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों सीएजी के खिलाफ मैच में उन्होंने 37 गेंदों पर अपना शतक जड़ा था, इसके साथ ही उन्होंने 5 विकेट भी हासिल किए थे। लेकिन दोस्तों आज यहां पर हार्दिक पांड्या के लेकर यहां पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों हार्दिक पांड्या ने बीपीसीएल के खिलाफ मैच में यहां पर शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए 55 गेंदों पर 158 रनों की पारी खेली है, जिसमें उनकी पारी में दोस्तों 20 छक्के और 6 चौके भी शामिल हैं। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या ने शुरुआत से ही विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दी थी। दोस्तों 39 गेंदों में हार्दिक पांड्या ने अपना शतक पूरा किया, उसके बाद उन्हें तेजी से रन बनाना जारी रखा। दोस्तों आप सभी को बता दी कि 55 गेंदों पर 158 रनों की पारी खेलना कोई आम बात नहीं होती है। दोस्तों यह टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मुकाबला है और इस पारी से उन्होंने आईपीएल से पहले विपक्षी टीमों को बड़ा सिरदर्द यहां पर अब बनाकर रख दिया है। दोस्तों आप सभी को बता दी कि पहले बल्लेबाजी करते हुए रिलायंस वन की टीम ने यहां पर 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 238 रन बनाए हैं। टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही थी और शिखर धवन भी 3 रन बनाकर जल्द ही पवेलियन लौट गए थे। वहीं पर दोस्तों अनमोल प्रीत सिंह का बल्ला भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाया और 4 रन बनाकर शिवम दुबे की गेंद पर आउट हो गए। वहीं पर दोस्तों हार्दिक पांड्या को सौरभ तिवारी का साथ मिल गया। दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 106 रनों की साझेदारी बनाई। जी हाँ दोस्तों, नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए विष्णु सोलंकी के बल्ले से 17 रन निकले, तो वहीं पर अनुकूल रॉय ने 10 रन बनाकर नवाबाद साबित हुए। दोस्तों आप सभी को बता दी कि हार्दिक पांड्या की भारतीय टीम में वापसी लगभग तय दिख रही है। भारत को यहां पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 12 मार्च से 3 वनडे मुकाबलों की सीरीज खेलनी है। इस सीरीज के जल्द ही भारतीय टीम घोषणा करने वाली है, इसमें हार्दिक पांड्या का नाम भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने भारतीय टीम के लिए अंतिम वनडे मुकाबला विश्व कप 2019 का सेमीफाइनल मुकाबला खेला था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में उन्हें खेलने का मौका मिला था, लेकिन उनके बाद में पीठ में सर्जरी के कारण वह मैदान से बाहर चले गए थे और इसकी वजह से वह वापसी नहीं कर पाए थे। दोस्तों अब यहां पर हार्दिक पांड्या की वापसी अब तय दिख रही है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए 55 गेंदों में 158 रन बनाए हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हार्दिक पांड्या की मैदान पर वापसी होनी चाहिए? उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे। दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों इतने बजे से खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला, इन 11 शेरों के साथ उतरेगी टीम इंडिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले पहले वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया के वह कौन से 11 खिलाड़ी हैं जो मैदान पर आप सभी को खेलते हुए नजर आएंगे, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या है, पूरे विस्तार से आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो, आपको भी लगता है कि पहला वनडे मुकाबला
टीम इंडिया जीत जाएगी, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 1000 लाइक का है, तो दोस्तों भारतीय टीम को सपोर्ट जरूर करें, इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 वनडे मुकाबलों की सीरीज खेली जाने वाली है। इस सीरीज का पहला वनडे मुकाबला 12 मार्च को खेला जाएगा। यह वनडे मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। यह वनडे मुकाबला दोपहर 2 बजे से शुरू होगा और आप इस वनडे मुकाबले को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हो, और मोबाइल पर देखना है तो हॉटस्टार एप्लीकेशन के जरिए से देख सकते हो। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 15 मार्च को खेला जाएगा, तो वहीं पर दोस्तों तीसरा वनडे मुकाबला 18 मार्च को खेला जाएगा। तो दोस्तों यह 3 वनडे मुकाबलों की सीरीज काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है और यह मुकाबले भी काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने वाले हैं। दोस्तों अगर बात करें यहां पर टीम इंडिया की, तो भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड खिलाफ खेले गए 5 T20 मुकाबलों के सीरीज में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन न्यूजीलैंड खिलाफ खेले गए 3 वनडे मुकाबलों के सीरीज में काफ़ी ज़्यादा खराब प्रदर्शन किया है और इस सीरीज को 3-0 से हार भी चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया को 3 वनडे मुकाबलों के सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन करना होगा और इस सीरीज को जीतना भी होगा। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर साउथ अफ्रीका टीम की। दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए 2 वनडे मुकाबलों में साउथ अफ्रीका की टीम ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, मतलब कि उन्हें कड़ी टक्कर देने में कामयाब साबित हुई है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम को यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम ने 2 बार मात दे चुकी है, मतलब कि 2 वनडे मुकाबले उनसे जीत चुकी है। तो ऐसे में टीम इंडिया के लिए भी साउथ अफ्रीका की टीम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाली है। तो दोस्तों अब देखने वाली बात होगी कि इस सीरीज को कौन जीत पाता है और पहला वनडे मुकाबला कौन जीत पाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले पहले वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया में वह कौन से 11 शेर हैं, टीम इंडिया में वह कौन से 11 खिलाड़ी हैं जो मैदान पर आप सभी को खेलते हुए नजर आ सकते हैं। टीम इंडिया की बदली हुई पूरी टीम आपको बताएंगे, तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं यहां पर नंबर 1 खिलाड़ी की। दोस्तों यहां पर आप सभी को रोहित शर्मा सलामी बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि रोहित शर्मा टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाते हैं। जब भी मैदान पर आते हैं तो गेंदबाज उनसे कांपने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों रोहित शर्मा वह खिलाड़ी हैं जो कभी भी मुकाबले का रुख बदल सकते हैं, उनमें वह हिम्मत है, उनमें वह जज्बा है जो वह कर दिखाते हैं। दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहां पर उन्होंने पिछले साल में, मतलब कि पिछले कुछ मुकाबलों में उन्होंने ब्लॉकबस्टर प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से हर तरफ रोहित शर्मा की तारीफें हो रही है और दुनिया का हर एक दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा की तारीफें कर रहा है, और ऐसे ही कोई किसी की तारीफें नहीं करता है। रोहित शर्मा ने वह कर दिखाया है जो एक महान बल्लेबाज को करना चाहिए, और आज रोहित शर्मा दुनिया के सबसे खतरनाक और महान बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज बन गए हैं। तो ऐसे में टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप सभी को पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा सलामी बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर नजर आ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 खिलाड़ी की। दोस्तों यहां पर आते हैं शिखर धवन। जहां दोस्तों टीम इंडिया के इस बेहतरीन गब्बर ने भी टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि शिखर धवन जो कि चोट के चलते टीम इंडिया से बाहर हो चुके थे, जिसकी वजह से वह खेलने में नाकाम साबित हुए थे, मतलब कि उन्हें प्रैक्टिस का बहुत कम मौका मिला था, लेकिन अब शिखर धवन फिट हो चुके हैं। आप सभी ने देखा होगा कि नेट प्रैक्टिस में बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो आप सभी को फिर से एक बार यहां पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या शिखर धवन के मैदान पर वापसी होनी चाहिए, उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 खिलाड़ी की। दोस्तों यहां पर आते हैं कप्तान विराट कोहली।
जी हाँ दोस्तों, कप्तान विराट कोहली भी टीम इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी और अहम भूमिका निभाते हैं। कप्तान होने के नाते उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, टीम को 3-0 से जिताना है, तो ऐसे में कप्तान विराट कोहली को टीम इंडिया की तरफ से अच्छा खेलना होगा। दोस्तों न्यूजीलैंड खिलाफ टेस्ट सीरीज में कप्तान विराट कोहली ने बहुत ही ज़्यादा खराब प्रदर्शन किया है और इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ 38 रन बनाए हैं।